What is the connection between the large amount of monkeypox cases being found in people seeking care in sexual health clinics? अभी तक जितने भी लोगों को मंकी पॉक्स हुआ है उनमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वॉज द प्राइमरी जो तरीका जो था जो मेन तरीका था जिससे वो फैला है तो इसलिए पीपल विद मल्टीपल पार्टनर्स पीपल विद सेम सेक्स ओरिएंटेशन दे शुड काइंड ऑफ बी वेरी केयरफुल इफ दे हैव समथिंग लाइक यू नो फीवर और रैश इस तरह की कोई भी चीज होती है तो दे शुड इमीडिएटली सीक a consultation by a doctor so that he or she can be referred to a higher center for further diagnosis and management. Which cities and countries are currently at higher risk for monkeypox? I think that's a very kind of a broad-based question. Many countries are still, in Europe and the US cases have been seen. UK mein, London mein cases mile the. बट एज सच ये कहना कि कहाँ पे ज्यादा केसेस बढ़ेंगे ये बड़ा मुश्किल है एज ऑफ नाउ इंडिया में दिल्ली में 3 लोग सस्पेक्टेड थे 1 कंफर्म्ड है और आज के रिपोर्ट के हिसाब से जो बाकी 2 सस्पेक्टेड थे उनका नेगेटिव आया है टेस्ट सो इस तरह से अभी कुछ ही केसेस 4-5-6 केसेस की हम बात कर रहे हैं बट यस अगर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रॉपर हो जाती है तो इसको हम यहीं कंटेन कर सकते हैं और आगे नहीं बढ़ेंगे अदरवाइज इंडिया एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है पीपल get in contact with each other so hum logo ka because of their population density iski bimari ka phailne ke chances zyada ho sakte hain if someone thinks they have been exposed to someone who has monkeypox what should they do they should immediately contact a doctor right and then the doctor will take a call ki ye waqai monkeypox jaisa kuch hai aur further testing ki zarurat hai further referral to nodal center ki zarurat hai ya nahi hai Similar way में I would suggest that people this weather, the current monsoon weather, इसमें बहुत ज़्यादा fever और गला खराब और rash इस तरह की चीज़ें आती हैं because rash सिर्फ monkey pox में नहीं होता है rash dengue fever में भी हो सकता है chikungunya में भी हो सकता है so खुद से अपना इलाज मत कीजिए सबसे पहले fever आता है doctor से सलाह लीजिए ठीक है अगर doctor को लगेगा तो वो further diagnostic tests को जो है अप्लाई करके आपको बचा सकता है खुद से दवाई लेना केमिस्ट के सजेशन पे दवाई ले लेना ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए और अगर आपको फीवर है तो अपने आप को प्रॉपरली आइसोलेट कीजिए हैंड हाइजीन को फॉलो कीजिए मास्क पहनिए फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग हाथों को बार बार धोइए सैनिटाइजर का यूज कीजिए अननेसेसरीली चीजों को टच मत कीजिए लोगों से कॉन्टेक्ट में मत आइए 2-4 दिन काम पे छुट्टी लेने से कोई हर्जा नहीं होने वाला काम की छुट्टी ले लीजिए और रिलैक्स कीजिए